वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राज सिस्टर सिस्टर में। आज मैं आपको दीपावली का लुक शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने अभी किया है। आप देख रहे हैं कैसा लगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मैं बना रही थी, अभी आपने शुरू में देख ही दिया। मैंने बताई थी कि मैं आज दीपावली का लुक शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने चेहरे को वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने गुड्स वाइप का कुकुम्बर टॉन्स यूज़ किया है, उसके बाद मैंने एनआईवे का प्राइमर यूज़ किया है, उसके बाद मैं लैक्मी एब्सोल्युटली मॉस पाउडर उसके यूज़ कर रही हूँ। अब मैं देखना चाह रही थी कि क्या ये कम्पैक्ट सही में जो अभी अच्छा कवर देती है या नहीं। ये लैक्मी का मूसो फाउंडेशन कह सकते हैं ये है। इसका मैंने पाउच खरीद कर देखा था कि क्या ये अच्छे से कवर करेगी, पूरा फेस कवर करेगी या फुल कवरेज देगी। आप देख रहे हैं फुल कवरेज है और इतना अच्छा है कि हाथ से ही ब्लेंड हो रही है। आप देख रहे हैं पूरी अच्छी तरह से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर ली हूँ। उसके बाद मैंने एक्सेस जो लग रहा था या आप कह रहे थे इवन लग रहा था, उसे मैंने अपने मेकअप ब्रश की हेल्प से पूरी चेहरे को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने पैलेट से आई शेडो पैलेट से इसे मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। आप देख रहे हैं ये मैंने इसका एक न्यूड कलर लेकर थोड़ा सा डीप या ब्राउन कह सकते हैं उसे लेकर अपने आई एरिया को कवर किया है। आप देख रहे हैं इसके बाद मैंने एब्रो को फिल किया है। ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही एब्रो पेंसिल ली है जो क्रीमी में है। इसके बाद मैंने इसे अपने एब्रो को फिल कर लिया है इसी से, और मैं इसे थोड़ी सी चौड़ी एब्रो बनाऊंगी। मेरी एब्रो थोड़ी पतली है इसलिए मैं इसे थोड़ी सी चौड़ी बनाऊंगी, और मैंने इसे अपने थोड़ा सा हल्का कलर या चौड़ी कलर में आप कह सकते हैं इसे बना रही हूँ। आप देख रहे हैं दोनों आईब्रो के शेप देने के बाद, उसके बाद मैंने यहाँ हल्का सा गोल्डन कलर जो इसके नीचे को आई शेडो को हल्का सा गोल्डन कलर दिया है। आप देखेंगे जो ताकि अच्छी लगे थोड़ा सा आई शेडो। उसके बाद मैंने एनआईवे का ब्लू आईलाइनर यूज़ किया है, इसे मैं पतले लगाऊंगी क्योंकि मैं लहंगे में ब्लू का कॉम्बिनेशन है मेरा, इसलिए मैंने आईलाइनर थोड़ा सा ब्लू रखा है। फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद मैंने एनआईवे का कंटूर से अपने चेहरे को कंटूर किया है जो एनआईवे स्टिक कंटूर है उससे, और ये अच्छी है। 82 रुपीज़ में मिल रही है, सेल चल रही है, आप देख लीजिएगा। दीपावली का सेल चल रहा है purple.com पर, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये भी एनआईवे का ही है ब्लू आईलाइनर। मैंने आपको बताया था कि लहंगे में मेरे ब्लू का कॉम्बिनेशन है दुपट्टे के साथ, तो मैं इसमें ब्लू थोड़ी सी लगा ले रही हूँ। उसके बाद मैंने एनआईवे का ब्लू काजल लिया है और इसे मैं अपने इनर कॉर्नर से ले रही हूँ, साइड के कॉर्नर से ले रही हूँ, और पूरा इसे नहीं लगाऊँगी, आधे में ही लगाऊँगी। आप देख रहे हैं मैंने आधा आधा ही लगाया है, पूरा नहीं लगाना है, आधा लेना है। उसके बाद मैंने 24 का काजल यूज़ किया है जो काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे हैं इसे मैंने अपने आई एरिया पर लगा लिया है और इसे पूरी तरह से मैं लगा ले रही हूँ। उसके बाद मैंने आंखों को कर्ल किया है, इसके बाद मैं मस्करा लगाऊंगी। शायद मस्करे की क्लिपिंग्स लेना भूल गई थी। फ्रेंड्स मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होती है, मुफ्त है, तो आप ज़रूर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उसके बाद मैंने मेबलिन का फिट कम्पैक्ट यूज़ किया है, उसे मैंने अपने मेकअप को सेट कर लिया है। इसके बाद मैंने शिवाना का जो आप कह सकते हाइलाइटर जो है उसे यूज़ किया है, अपने जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मैंने अपने हाइलाइटर को यूज़ करना चाहिए वहाँ मैंने अपने हाइलाइटर को यूज़ किया है। मैंने अपने चीक्स पे, नोज़ पे और अपने लिप के ऊपर थोड़ा सा, अपने हेड पर मैंने
हाइलाइटर यूज़ किया है, सिल्वर कलर का हाइलाइटर। इसमें 5 सेट दी, तीन शायद 5 या 3 सेट ये ऐसे ही है, मैं देखे नहीं पूरा तरह। और यही है मैंने यहाँ सिल्वर कलर का यूज़ किया। यहाँ पर मैंने हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि लिक्विड है, लिक्विड लिपस्टिक है हुडा ब्यूटी की। ऐसे मैंने यूज़ किया, मेरा मेकअप हो गया है डन, आप देख रहे हैं। मैं ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ इस बार, इसके ये मेरा फाइनल लुक है। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, हैप्पी दीपावली, आप सभी की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।